तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्यजी शाह और आप देख रहे हैं सौम्यजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज का भी टेक न्यूज़ में बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ेस है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारा जो आज का फर्स्ट टेक न्यूज़ शेयर करें वो है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने इंडिया में आज उनका एक नया प्रोडक्ट मी सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड को लॉन्च कर दिया है और इसका जो प्राइसिंग निकल का है वो है 1099 रुपीज़। इसको आप mi.com के ऊपर से जाके खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो वेट है वो है सिर्फ 155 ग्राम्स और इसके साथ इस ट्राइपॉड को एक्सेस करने के लिए आपको एक ब्लूटूथ रिमोट भी मिलता है। और बताया जा रहा है कि आपके पास जितने भी बड़ा स्मार्टफोन हो उसको आप इस ट्राइपॉड या फिर इस जो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है इसमें आप फिट कर सकते हैं और आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ ये जो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है ये ब्लूटूथ वर्जन 3.0 के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके स्मार्टफोन में मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन 4.3 या फिर उससे ज़्यादा का एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए और अगर आपके पास कोई iOS डिवाइस है तो उसमें iOS वर्जन 5.0 मिनिमम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का iOS वर्जन होना चाहिए। और ये जो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है इसका क्लैंप को आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है TCL की तरफ से। अगर आपको स्मार्ट एंड्रॉयड टीवीज खरीदना है तो TCL उनका एक नया रेंज लेके आ चुका है। इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है इंडिया में वो है 45,990 रुपीज़ से। इनमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। ये जो TCL के नया रेंज है इसमें आपको तीन सीरीज देखने को मिलता है, एक है C715, दूसरा है C815 और तीसरा है X915। इस महीने के पहले ही TCL ने उनका एक P715 सीरीज लॉन्च किया था, उसका भी प्राइस निकल के आ चुका है जो कि स्टार्ट होता है 28,990 रुपीज़ से। और जो ये नया लॉन्च हुआ C715 है ये सीरीज़ का प्राइस स्टार्ट होता है 45,990 रुपीज़ से फॉर 50 इंचज़ मॉडल। 55 इंचज़ मॉडल का प्राइस है 55,990 रुपीज़ और जो 65 इंचज़ का मॉडल है उसका प्राइस है 79,990 रुपीज़। और जो C815A जो सीरीज़ है इसका जो 55 इंचज़ का मॉडल है उसका प्राइस हो मतलब उसका प्राइस जो निकल का है वो है 69,990 रुपीज़। और जो इसमें जो 65 इंचज़ का मॉडल है उसका प्राइस निकल का है 99,990 रुपीज़ और जो 75 इंचज़ का मॉडल है उसका प्राइस है 1,49,990 रुपीज़। और जो सबसे महंगा जो X915 सीरीज़ है इनमें आपको 8K QLED एंड्रॉयड टीवीज़ देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस निकल के आया है वो है 75 इंचज़ का जो मॉडल है उसके लिए 2,99,990 रुपीज़ और इसमें शायद से आपको एक 85 इंचज़ का भी मॉडल देखने को मिलेगा लेकिन उसका प्राइस अभी तक निकल के नहीं आया है। जो C715 और जो C815 ये दोनों सीरीज़ है इनमें आपको 4K QLED एंड्रॉयड टीवी देखने को मिलता है और जो X915 ये सीरीज़ है इनमें आपको सिर्फ 8K QLED एंड्रॉयड टीवी देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये टीवीज़ ख़रीदना है तो जाके Amazon के ऊपर से और ऑफलाइन स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट एक्सक्लूसिव सेल का है वो है Redmi की तरफ से। अगर आप Redmi का Note 9 Pro Max या फिर Redmi 8A Dual इन फ़ोन्स को ख़रीदना चाहते थे तो इनका प्राइस अभी इंक्रीज हो चुका है। अगर आप Amazon और mi.com के ऊपर जाके चेक करते हैं तो इनका जो नया प्राइस है वो आपको शो करेगा। जो Redmi का Note 9 Pro Max है इसका जो पुराना प्राइस था यानी कि अभी तक जो प्राइस था 6GB + 64GB वाला वेरिएंट के लिए वो था 16,499 रुपीज़ और इसका जो नया प्राइस है वो है 16,999 रुपीज़। जो 6GB + 128GB वाला वेरिएंट था उसका प्राइस था 17,999 रुपीज़ और जो नया प्राइस है वो है 18,499 रुपीज़। लेकिन जो 8GB + 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, उसका जो प्राइस है वो है 19,999 रुपीज़। जो Redmi का 8A Dual A फ़ोन है इसका जो 3GB + 32GB वाला वेरिएंट है उसका पहले प्राइस था 7,999 रुपीज़, इसका करेंट प्राइस है 8,299 रुपीज़। जो 2GB + 32GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस अभी तक सेम है जो कि है 7,499 रुपीज़। तो आपको जो Redmi Note 9 Pro Max है इसमें आपको
₹500 का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है, और जो Redmi का 8A Dual है इसमें आपको ₹300 का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है। जो Redmi Note 9 Pro Max है इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको 6.67 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है, पीछे की तरफ 64+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 5000mAh का बैटरी मिलता है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और जो Redmi का 8A Dual ये फ़ोन है इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको 6.2 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलता है, Qualcomm Snapdragon 439 का प्रोसेसर मिलता है, पीछे की तरफ 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है, और 5000mAh का बैटरी मिलता है। तो अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट एक सेल का वो है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का जो Mi Watch कॉलर है ये लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2019 में चाइना में लॉन्च हुआ था। एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो Mi Watch कॉलर है ये चाइना के बाहर Mi Watch Revolve नाम से आ सकता है, यानी कि अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो शायद से Mi Watch Revolve नाम से आ सकता है। ये जो Mi Watch Revolve है इसको रिसेंटली स्पॉट किया गया था Mi Watch ऐप जो है उसके ऊपर, और इसके साथ जो Mi का स्मार्ट बैंड 4C है उसको भी स्पॉट किया गया था। तो देखते हैं क्या ये दोनों इंडिया में आता है, और अगर आता है तो किस प्राइस के साथ, किस स्पेसिफिकेशन के साथ, और कब लॉन्च होता है। तो जब भी ये जो Mi Watch Revolve और Mi स्मार्ट बैंड 4C है इनके बारे में यानी कि इनका इंडिया लॉन्च के बारे में कोई भी रिपोर्ट निकल के आएगा मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को बता दूंगा। हमारा जज का नेक्स्ट एक सेल का रिपोर्ट है Huawei की तरफ से। काउंटर पॉइंट का एक रिसर्च से हमें पता चल रहा है जो अप्रैल मंथ था वहाँ पे Huawei ने पीछे छोड़ दिया था सैमसंग को एज ए वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर इन अप्रैल। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो अप्रैल मंथ था वहाँ पे सैमसंग का जो ग्लोबल शेयर था वर्ल्ड स्मार्टफोन मार्केट में वहाँ पे घट के 17% हो चुका था, और जो Huawei का ग्लोबल शेयर था स्मार्टफोन मार्केट में वो बढ़ के 19% हो चुका था एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन अप्रैल। हमारा जो आज का नेक्स्ट एक सेल का वो है Flipkart की तरफ से। Flipkart का जो बिग सेविंग डेज ये सेल स्टार्ट होने वाला है वो होगा 23 जून से और चलेगा 27 जून तक, और इस सेल के दौरान आप लोगों को बहुत सारे फ़ोन्स के मॉडल्स के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, जैसे iPhone 8, iPhone XS, Mi Mix 2, Oppo A9, 2020, Google Pixel 3A सीरीज, Vivo Nex, Vivo का Z1X, ऐसे बहुत सारे अदर स्मार्टफोन के जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप जो HDFC बैंक के कस्टमर है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो Vivo का Z1X है इसका नॉर्मल समय प्राइस स्टार्ट होता है 16,990 रुपीज़ से, लेकिन इस सेल के दौरान आपको जो प्राइस स्टार्ट होगा वो मिलेगा 14,990 रुपीज़ से। जो iPhone 7 Plus है इसका नॉर्मल समय प्राइस होता है जो 32GB वाला मॉडल है उसके लिए 36,999 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आपको ये जो iPhone 7 Plus 32GB वाला मॉडल है ये मिलेगा 34,999 रुपीज़ में। जो Google का Pixel 3A सीरीज़ है इसका नॉर्मल समय प्राइस स्टार्ट होता है 30,999 रुपीज़ से, लेकिन इस सेल के दौरान इसका जो प्राइस स्टार्ट होगा वो होगा 29,999 रुपीज़ से। ओप्पो का A9 2020 इस फोन का जो 4GB+128GB वाला वेरिएंट का नॉर्मल समय प्राइस रहता है वो है 15,990 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आप लोगों को मिलेगा सिर्फ 12,990 रुपीज़ में। जो Mi Mix 2 है इस फोन का जो नॉर्मल समय प्राइस रहता है वो है 19,999 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आप लोगों को 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और ये पड़ेगा 14,999 रुपीज़ में। जो Vivo का नेक्स है इसका नॉर्मल समय प्राइस रहता है 29,990 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आप लोगों को 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और ये पड़ेगा सिर्फ 23,990 रुपीज़ में। तो जो iPhone 8 है 64GB वाला मॉडल उसके ऊपर जो नॉर्मल समय प्राइस रहता है वो है 38,999 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आपको वही मिलेगा 36,999 रुपीज़ में। जो iPhone का 7 है 32GB वाला मॉडल उसका नॉर्मल समय प्राइस है 29,499 रुपीज़, लेकिन
इस सेल के दौरान आप लोगों को पड़ेगा 28,499 रुपीज़ पे। जो आईफोन का एक्सेस है 64 GB वाला मॉडल, उसका नॉर्मल समय प्राइस रहता है 62,999 रुपीज़, लेकिन इस सेल के दौरान आप लोगों को पड़ेगा 58,999 रुपीज़ पे। जो मोटोरोला का रेजर है 2019 मॉडल, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल एक्सचेंज ऑफर मिलेगा ऑफ रुपीज़ 25,000, और उसके साथ इसमें आपको नो कॉस्ट EMI भी मिलेगा, जो कि स्टार्ट होगा 5,209 रुपीज़ से पर मंथ। तो अगर ऐसे कोई भी फ़ोन, यानी कि जो जो मैंने बताया या फिर इसके अलावा भी जो जो फ़ोन्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेंगे, वहाँ से कोई भी फ़ोन आप लोग खरीदना चाहते थे, तो ये जो फ्लिपकार्ट का जो बिग सेविंग डेज है, सेल आने वाला है 23 जून से, वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो आप लोगों को बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हमारे जो आज का नेक्स्ट टेक्निक सेल का रेबो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का जो डिस्प्ले है उसको लेके कुछ लीक्स निकल के आ चुका है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद से आपको इसमें 60Hz का एक फुल HD का फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको वाइट फ्रेम्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सैमसंग ने अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं किया है उनका जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है उसके डेवलपमेंट को लेके। लेकिन शायद से ये फ़ोन अगस्त 2020 में लॉन्च हो सकता है, और इसके साथ शायद से हम लोगों को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 भी देखने को मिलेगा। तो जब भी इन फ़ोन्स के बारे में फ्यूचर में कोई भी लीक या रूमर्स निकल के आएंगे, तो मैं अपने टेक्नोस पे आप लोगों को बता दूंगा। हमारा जो आज का नेक्स्ट टेक्नोस सेल का है वो है रियलमी की तरफ से। रियलमी जो X3 है, इसका फ्लिपकार्ट टीजर पेज निकल के आ चुका है, जहाँ पर पता चलता है इसके साथ आप लोगों को रियलमी X3 सुपर जूम भी देखने को मिलेगा। और जो रियलमी X3 है, इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, और शायद से सुपर जूम में भी आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा। और इन जो फोन्स का लॉन्च डेट होने वाला है वो है 25 जून को 12:30 PM में। जो रियलमी X3 सुपर जूम है, इसका जो यूरोप वाला मॉडल है उसका जो प्राइसिंग है, वो अगर हम इंडियन रुपीज़ पे कन्वर्ट करें तो कुछ अराउंड 42,900 रुपीज़ तक पड़ता है। तो शायद से इस प्राइस के आसपास ही ये इंडिया में भी लॉन्च होगा। जो रियलमी का X3 है, इसका जो पॉसिबल फीचर्स आने वाले है वो है, इसमें आपको 6.57 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलता है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलेगा, और उसके साथ आप लोगों को फ्रंट में 16+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, और उसके साथ पीछे की तरफ आप लोगों को 48+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, और 4,100 mAh का बैटरी मिलेगा। जो रियलमी का X3 सुपर जूम है, इसका जो पॉसिबल फीचर्स है वो है, इसमें आपको शायद से 6.6 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ का प्रोसेसर मिलेगा, और पीछे की तरफ 64+8+8+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, और उसके साथ आप लोगों को फ्रंट में 32+8 MP का डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, और 4,200 mAh का बैटरी मिलेगा। तो जब भी 25 जून में ये जो फ़ोन है रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम ये लॉन्च होते हैं, मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारा जो आज का नेक्स्ट टेक्नोस सेल का वो है आसूस की तरफ से। आसूस का जो ROG फोन 3 है, इसका एक लाइव इमेज लीक होकर आ चुका है, और उसके साथ इसका जो 64 MP का कैमरा है उसको भी टिप्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शायद से आपको आसूस का जो ROG फोन 3 है, इस गेमिंग फोन में आपको 6.59 इंचेस का एक फुल HD प्लस का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है, या फिर शायद से आपको 144Hz का भी एक OLED पैनल देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलेगा, और अप टू 16 GB का रैम का ऑप्शन मिलेगा। और इस फोन में आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से जो प्राइमरी होगा वो होगा 64 MP का, और इस फोन में शायद से आपको 6,000 mAh का बैटरी मिलेगा विथ 30W का फास्ट चार्जर। तो देखते हैं ये जो आसूस का ROG फोन 3 है ये कब लॉन्च होता है, और कब इंडिया में आता है, और किस प्राइस के साथ, और किस स्पेसिफिकेशन के साथ। जब भी इसके बारे में फ्यूचर में कोई भी डिटेल्स निकल कर आएगा, मैं अपने टेक्नोस पे आप लोगों को बता दूंगा। हमारे जो आज का नेक्स्ट टेक्नोस सेल का रेपो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5G, इस फोन को रिसेंटली 8 GB के रैम के साथ गिगबेंच के ऊपर स्पॉट किया गया है। जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप था, इसमें आपको 8 GB का रैम मिलता है, उसके साथ 256 GB का स्टोरेज मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ का प्रोसेसर मिलता है, 3,300 mAh का बैटरी मिलता है, और उसके साथ पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा मिलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5G है, इसमें भी आपको 8 GB का ही रैम मिलेगा, लेकिन इसमें आपको अपग्रेडेड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलेगा, और शायद से इसमें आपको ज़्यादा बड़ा mAh का बैटरी भी मिले। तो जब भी सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5G के लोग कोई और डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को बता दूंगा।
हमारा जो आजकल लास्ट एक्टिव सेल कर रहा है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स बहुत समय से कोई भी न्यूज़ में नहीं था, लेकिन अभी माइक्रोमैक्स की तरफ से खबर आ रहा है कि माइक्रोमैक्स बहुत ही जल्दी 3 उनके न्यू बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन के साथ इंडिया में कमबैक कर सकता है। और बताया जा रहा है कि ये जो 3 स्मार्टफोन होंगे इन सभी का प्राइस 10,000 रुपये से भी कम होगा। और जो इन फोन से इनमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे और उसके साथ मॉडर्न लुक भी मिलेगा। शायद से ये फ़ोन्स नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो सकता है। माइक्रोमैक्स जो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं उनके जो सोशल मीडिया है उसमें इन फोन्स के बारे में टीज करने के लिए वो है #MadeByIndian और #MadeForIndians। तो देखते हैं माइक्रोमैक्स कौन से फ़ोन के साथ और किन स्पेसिफिकेशन के साथ और किस प्राइस में इंडिया में उनको लॉन्च करता है और इंडिया में कमबैक करता है। जब भी इन फोन्स के बारे में कोई भी डिटेल्स या फिर लीक रूमर्स निकल के आएगा मैं अपने टेक्नोस में आप लोगों को बता दूंगा। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर सकता है और कलर और वेरियंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो खरीदने से पहले ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। और बाहर जो कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है उसमें अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी ज़रूरी अवस्था में बाहर जाना पड़े तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।